हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब मस्त और मजे में? दोस्तों, आज हम जो सोसाइटी देखेंगे वो राजनगर एक्सटेंशन के अंदर आती है। सोसाइटी का नाम है फॉर्चून रेजिडेंसी। दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने फॉर्चून रेजिडेंसी देखी भी होगी। आपकी जो VVIP सोसाइटी है और KW सोसाइटी है, उसी के साथ में पड़ता है आपका फॉर्चून रेजिडेंसी। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है। फेज़ 1 और फेज़ 2 रेडी टू मूव इन है, जिसमें कुछ फ्लैट्स बचे हुए हैं। बाकी इनका फेज़ 3 अभी के टाइम पे इसी में सेल चालू है। ये आपका पूरा RCC का वर्क है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको फॉर्चून रेजिडेंसी के बारे में दूंगा। दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे सोसाइटी के ओवरव्यू के बारे में, फिर सोसाइटी की एमिनिटीज़ के बारे में, उसके बाद आपको फ्लैट दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे पोजीशन के बारे में, उसके बाद प्राइस और फिर रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों, बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैं हूँ आपका दोस्त अर्जुन खटाना। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इन्वेस्टर सब। चलिए दोस्तों, अब एक बार पहले मैं आपको सोसाइटी की लोकेशन दिखा देता हूँ। ये जो रोड अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हम अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही इंदिरापुरम की साइड से एलिवेटेड से आते हैं या मोहन नगर की साइड से आते हैं, तो एक गोल चक्कर आता है। ये गोल चक्कर क्रॉस करने के बाद हम लोग अभी इस रोड पे आए। तो इस रोड पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो VVIP मॉल आता है। मॉल से जस्ट थोड़ा सा पहले आपको लेफ्ट कट लेना होता है। जो VVIP मॉल है, उससे जस्ट जो पहले वाला कट है वो लेफ्ट में आपको वो लेना होता है, वो सीधा आपका फॉर्चून रेजिडेंसी पर जाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आप आते हैं मेरठ वाले रोड की साइड से, तो मेरठ की साइड से आप जैसे ही आएंगे तो VVIP मॉल आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, तो उससे आगे वाला जो कट है आपके राइट हैंड साइड पे, आप वो कट लेंगे और वो सीधा आपको लेके चलेगा आपकी फॉर्चून रेजिडेंसी के ऊपर। बाकी दोस्तों, राजनगर की लोकेशन आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग अगर दिल्ली की साइड से आते हैं तो मोहन नगर आपको क्रॉस करना होता है, इधर बोपरा लोनी की साइड से। और अगर आप आते हैं इंदिरापुरम से निकलते हुए, तो आप एलिवेटेड से आते हैं इस साइड। ये जो आपने सामने रोड देखा, VVIP मॉल के साथ से आता है, और इधर आप मेरठ वाले रोड से आ सकते हैं राजनगर एक्सटेंशन के अंदर। ये दोस्तों बिल्कुल सामने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ब्लू मून के नाम से प्रोजेक्ट है। और इसके साथ में दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट फॉर्चून रेजिडेंसी आ जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लू मून गया और दोस्तों ये सामने आपकी फॉर्चून रेजिडेंसी। दोस्तों, फॉर्चून रेजिडेंसी की अगर मैं बात करूँ, आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज दोनों के दोनों ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, ये पूरे कंप्लीट है। साथ में दोस्तों आगे VVIP आपकी सोसाइटी आती है और KW सृष्टि सोसाइटी इसी रोड के ऊपर आती है। ये दोस्तों मेन एंट्रेंस है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्चून रेजिडेंसी की बिल्कुल मेन एंट्रेंस है। ये आपकी फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए जाती है। दोस्तों इस साइड पे ये जो आप मिनरल अर्थ वाली सोसाइटी देख रहे हैं, इसके साथ में आपका जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, ये है आपका फेज़ 3। चलिए दोस्तों, लोकेशन की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं सोसाइटी के ओवरव्यू के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करें फॉर्चून रेजिडेंसी की, तो ये टोटल 3 फेज़ में आती है। ये अभी जो आप लोग कंप्लीट फेज़ देखेंगे, ये आपका फ्रंट पे, ये आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 है, और इस रोड के आपके अपोजिट साइड फेज़ 3 आता है। चलिए दोस्तों, एक बार जो सोसाइटी का बन के कम्प्लीट है, इसी सोसाइटी के अंदर हम एंटर करते हैं और मैं आपको एक बार एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से सोसाइटी बनी हुई है। दोस्तों अगर सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको 2 BHK, 2+ STD, 3 BHK और 4 BHK सभी प्रकार के अपार्टमेंट मिल जाते हैं। बिल्कुल सामने ये आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट के लिए पार्किंग है। आपके ग्राउंड फ्लोर पर भी आपको स्टिल्स पार्किंग मिलती है और बेसमेंट के अंदर भी आपको कवर्ड पार्किंग मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करूँ हाइट की, फेज़ 1 फेज़ 2 आपके 20 फ्लोर्स प्लस में है, और जो आपका फेज़ 3 है वो आपका 15 फ्लोर का बना हुआ है। ये बिल्कुल सामने ही जैसे हम एंटर करते हैं आपका फॉर्चून क्लब आ जाता है, और इसके साथ में दोस्तों क्लब के साथ में इस साइड पे आपका मंदिर बना हुआ है। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये सोसाइटी के अंदर मंदिर बना हुआ है। बीच में दोस्तों सोसाइटी के जो टावर है, इनके बीच में आपका एक ग्रीन एरिया दिया हुआ है, और सामने बाकी की एमिनिटीज़ आपकी आउटडोर गेम्स वगैरह। अगर क्लब हाउस की बात करें, तो सारी की सारी एमिनिटीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे एमिनिटीज़ की, तो उसमें मैं आपको सारी की सारी एमिनिटीज़ दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों अगर फेज़ 3 की बात करें, तो वो आपका पूरा RCC कंस्ट्रक्शन पे बना हुआ है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। उसमें जो आपके मैक्सिमम साइज़ अभी के टाइम पे अवेलेबल है, वो है आपके 3 BHK के साइज़। ये जो आप सामने है, आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा MY1 शटरिंग पे बना हुआ है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है प्रोजेक्ट की, आप लोग देख सकते हैं। इसमें 2 लिफ्ट आएगी आपकी टावर के अंदर,
और एक साल बाद इसका पोजेशन हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ फेज थ्री की, तो यहाँ पे आपके मैन जो फ्लैट रहेंगे वो 3 BHK 2 टॉयलेट के साथ है। 1325 स्क्वायर फिट का आपको इसमें साइज मिल जाता है। काम काफी हद तक हो चुका है। चलिए दोस्तों एक बार अंदर चलते हैं और मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो क्लब हाउस रहेगा फेज थ्री के लिए, बिल्कुल अलग से क्लब हाउस दिया जाएगा इस सोसाइटी के अंदर। जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा उस पर आपका क्लब हाउस बनेगा, तो क्लब हाउस वगैरह आपको यहाँ पे अलग से एमिनिटी मिल जाएगी। और ये जो टावर है, इस टावर के जस्ट पीछे की तरफ आपको एक अलग से पार्क यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों ग्रीनरी और आपकी जो एमिनिटीज है उसकी कोई कमी यहाँ पे आपको नहीं होगी। ये दोस्तों सामने जो आप रोड देख रहे हैं, यही बिल्कुल जस्ट साथ में आपकी VVIP और इससे आगे KW सृष्टि सोसाइटी है। ये दोस्तों जो आप फेज थ्री देख रहे हैं, इसमें जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे आपकी शॉप्स रहेंगी, और आपका जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपका क्लब हाउस आएगा। ये नीचे ये आप लोग देख सकते हैं कमर्शियल एरिया है, तो आपको अगर छोटी मोटी कोई शॉपिंग कर ली है उसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो आप यहीं पे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एमिनिटीज के बारे में और उसके बाद फ्लैट देख लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एमिनिटीज के बारे में, जिसकी वजह से हम लोग मोस्टली सोसाइटी खरीदना प्रीफर करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया है, सोसाइटी के अंदर ही मंदिर बना हुआ है और ये आपका सोसाइटी का क्लब हाउस है। यहाँ पे फॉर्चून क्लब के नाम से ये आपका क्लब हाउस बना हुआ है। बल्कि दोस्तों जो आपका फेज थ्री है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे आपको अलग से क्लब हाउस मिलेगा। दोस्तों अंदर चलते हैं क्लब हाउस के। अगर दोस्तों हम लोग देखते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यहाँ पे पूरा रिसेप्शन एरिया दिया हुआ है। ये आपके सोफे वगैरह लगे हुए हैं, अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं या कोई ऐसा इंसान जिनको आप अंदर नहीं ले जाना चाहते, तो आप यहाँ क्लब हाउस में उनको बैठा के एंटरटेन कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग जब भी किसी सोसाइटी में जाते हैं फ्लैट खरीदने के लिए, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात यही आती है कि हमें कौन सी एमिनिटीज यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों एमिनिटीज सारी की सारी काफ़ी अच्छी मिलती है सोसाइटी के अंदर। मैं आपको सारी की सारी एमिनिटीज दिखाऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अगर हम बात करें, तो दोस्तों पूरे के पूरे इंडोर गेम्स आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं। जैसे आपका सामने पूल वगैरह रखा हुआ है, टेबल टेनिस वगैरह, कैरम, ये जो भी आपके इस तरह के गेम होते हैं, वो सारे के सारे दोस्तों आपके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। फिर दोस्तों ये देखिए, अगर हम बात करें सेकंड फ्लोर की, तो सेकंड फ्लोर कंप्लीट, जैसे कि हम लोग अभी ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि ये जिम के लिए रखा गया है। ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी जिम बनाई हुई है। दोस्तों अभी के टाइम पे क्या है, कोरोना का टाइम है, तो मोस्टली आप किसी भी सोसाइटी में जाते हैं तो जो आपकी कॉमन एमिनिटीज है वो अभी के टाइम पे ज़्यादातर आपको बंद मिलती है कोरोना की वजह से। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा जिम, वेल मेंटेन जिम आपको यहाँ पे मिलता है। जिम की तो वैसे भी नॉर्मल टाइमिंग होती है, किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो सुबह और शाम टाइमिंग के हिसाब से ही ओपन होता है। कई जगह पे अगर बात करें तो हम क्लब हाउस पूरा का पूरा आपका टाइमिंग के हिसाब से ओपन होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं पार्क की तरफ। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, ये जो आपके टावर है, इनके बीच में आपको ग्रीन एरिया दिया हुआ है, जो आपका सोसाइटी का कॉमन पार्क है वो आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्तों इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं। ये आपका यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। स्विमिंग पूल की दोस्तों अभी के टाइम पे मेंटेनेंस चालू है कोरोना टाइम में, क्योंकि अभी ओपन तो है नहीं स्विमिंग पूल, तो मोस्टली बिल्डर मेंटेनेंस वगैरह अपनी अभी पे करा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा की पूरी मेंटेनेंस चालू है, ये पूरा आपका स्विमिंग पूल का ही एरिया यहाँ पे आता है। और दोस्तों इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ सामने, तो ये शावर लगे हुए हैं, आप लोग स्विमिंग पूल में नहाने के बाद शावर भी ले सकते हैं साफ पानी का। चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार और बाकी की जो एमिनिटीज है वो देखेंगे, तब तक आप लोग म्यूजिक इंजॉय करिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं पार्क की तरफ। ये आप लोग देखिए बिल्कुल वेल मेंटेन पार्क यहाँ पे आपको मिलता है सोसाइटी के बीचों बीच। जो भी आपके आउटडोर गेम्स हैं और बच्चों के लिए जो गेम्स की फैसिलिटी है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे मिलती है। बच्चों के लिए झूले वगैरह लगे हुए हैं पार्क में, सीटिंग का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, आप जगह जगह पे देख सकते हैं चेयर वगैरह रखी हुई है। ये पूरा व्यू आप लोग देख सकते हैं पार्क का, ये बिल्कुल सोसाइटी के बीचों बीच पार्क आता है। दोस्तों सामने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये जो किड्स प्ले एरिया है, ये बिल्कुल सामने आ जाता है। यहाँ पे बच्चों के झूले वगैरह आपको दिखाई देंगे। दोस्तों इस तरफ आपका टेनिस कोर्ट बना हुआ है, कंप्लीट टेनिस कोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों पार्क वगैरह काफी अच्छा मेंटेन है आप लोग देख सकते हैं, और काफी खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पे मिलता है।
दोस्तों वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिएगा, इसी वीडियो में हम आगे फ्लैट देखेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन के बारे में बात करेंगे, फिर प्राइस के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करेंगे रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों एंड तक वीडियो देखिए, चलते हैं एक बार फ्लैट की ओर। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और फ्लैट देख लेते हैं। दोस्तों फ्लैट साइज है 1325 स्क्वायर फीट का। इसमें जो आपका डाइनिंग एरिया आता है 10x9 का आता है, और दोस्तों इस साइड ही आपका ड्राइंग एरिया है, ये आपका 10x12 का एरिया है। दोस्तों वेल फिनिश्ड फ्लैट है ये, आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है यहाँ पे। अगर हम बेडरूम साइज की बात करें तो 10x10 का आपका ये वाला बेडरूम रहता है। देखिए आप लोग, इस रूम के अंदर आपको एक विंडो मिल जाती है सामने, ये बिल्कुल सामने इसके। जैसे ही हम लोग इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपका किचन मिलता है। किचन की अगर दोस्तों मैं साइज की बात करूँ तो ये आपका 8x6 का किचन है। और दोस्तों ये इधर आपकी यूटिलिटी बालकनी। कोई भी आप फ्लैट देखते हैं तो मोस्टली केसेस में क्या होता है कि आपको रो फ्लैट ही मिलता है, जो आप देख रहे हैं वुडन वर्क वगैरह ये आपको खुद से करवाना होता है। ये आपको यहाँ पे कॉमन वॉशरूम आ जाता है आपका, ये आपको इसी तरह से फिनिशिंग होके मिलेगा। इसमें जो एक सामने मिरर देख रहे हैं, इसके अलावा बाकी सेम रहेगा इसी तरह से। अब दोस्तों चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, इसका साइज आपका 10x12 का है। आपकी वार्डरोब अंदर दी हुई है, ये देखिए, और इसके सामने बिल्कुल यहाँ पे आपकी बालकनी आ जाती है, ये देखिए। दोस्तों बालकनी का बहुत अच्छा साइज है। अगर बालकनी के साइज की मैं बात करूं तो बालकनी लगभग आपकी 5 फीट चौड़ी है, और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो 24 फीट चौड़ी बालकनी, सॉरी लंबी बालकनी है आपकी, क्योंकि 12x12 के दो रूम है और दोनों के आगे आपकी कंप्लीट बालकनी बनी हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका दूसरा बेडरूम, तीसरा, ये भी आपका 12x10 का बेडरूम आता है। इसमें भी वार्डरोब अंदर दी हुई है, और ये वही बालकनी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये आपके दोनों रूमों के साथ अटैच है। और दोस्तों पीछे की तरफ जो बेडरूम से बालकनी से हमने देखा, उसके पीछे जो स्पेस है वहाँ पे आपकी ग्रीन एरिया वगैरह रहता है, ये आपका अटैच वॉशरूम रूम के अंदर। दोस्तों अभी के टाइम पे अगर मैं फ्लैट साइज की बात करूँ तो 1325 स्क्वायर फीट के ही फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी फेज वन में आपको 2 में 1-2 इन्वेंट्री मिल सकती है, ये इसका कंप्लीट लेआउट है। चलिए दोस्तों पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। अगर हम पोजीशन के बारे में बात करें तो आपका फेज वन और फेज टू पूरी तरह से कंप्लीट है, आप लोग देख सकते हैं, कंप्लीट फिनिशिंग के साथ में पहले ही डिलीवर हो चुका है। तो अगर मान के चलिए आपको कोई इन्वेंट्री इसमें मिलती है, जैसे आपके 1025 स्क्वायर फीट की हुई, 1375, 1175, 1925 या 1850, अगर इनमें से कोई इन्वेंट्री होती है तो आपको रेडी टू मूव इन कंडीशन में मिल जाएगी। ये सेकेंड फेज है जो आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों इस पर भी काम चालू है, आप लोग देख ही सकते हैं, एक टावर लगभग बन चुका है। तो इसके अगर हम पोजीशन की बात करें तो फॉर्च्यून इसका पोजीशन नेक्स्ट ईयर बोलता है कि नेक्स्ट ईयर तक हम यहाँ पे पोजीशन आपका ऑफर कर देंगे, ये आप सामने देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 1325 स्क्वायर फीट के फ्लैट के लिए जाते हैं फेज थ्री में, तो नेक्स्ट ईयर तक आपको इसकी डिलीवरी मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं लोन के बारे में। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी बड़े बैंक है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, PNB हाउसिंग, सभी के सभी बैंक फाइनेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आप जिस मर्जी बैंक से चाहे लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार आगे बढ़ते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं और फिर बात करते हैं सोसाइटी के रिव्यू के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। फेज थ्री में जो आपका बेसिक सेल्स प्राइस है वो है आपका 3499, यानी 3500 स्क्वायर फीट का। दोस्तों इसके ऊपर कुछ आपकी फ्लोर PLC जाती है, जैसे कि आपकी अगर आप 12 से 14 फ्लोर पे जाते हैं तो 100 रुपये की है, 911 पे आपकी 150 रुपये की है, 6 से 8 200 रुपये, 4 से 5 आपकी 250 रुपये, और 1 से 3 फ्लोर तक 350 रुपये की आपको PLC देनी होती है। अगर आप रोड फेसिंग फ्लैट लेते हैं मेन रोड के तो 150 रुपये की PLC है, कॉर्नर फ्लैट पे 75 रुपये और पार्क फेसिंग पे 75 रुपये, क्लब मेंबरशिप 50,000 रुपये की है, और अगर बेसमेंट कवर्ड कार पार्किंग के लिए आप जाते हैं तो 2,75,000 की है।
कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दोस्तों इसमें और आते हैं, जैसे आपका पावर बैकअप 25,000 रुपये पर किलो वोट और 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस लिया जाता है। और दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ आपको और पे करनी होती है, जो होती है GST, यानी 5% आपको GST भी पे करना होता है इस फ्लैट के ऊपर। अब बात करते हैं पेमेंट प्लान के बारे में। अगर दोस्तों बात करें पेमेंट प्लान की, तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यहाँ पे आपको दिया जाता है CLP। इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती रहती है, उतना पैसा आपको बिल्डर को पे करना होता है। तो आप लोग पॉज करके सारा का सारा पेमेंट प्लान देख सकते हैं। 10% से आप बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद जैसे इसमें लिखा हुआ उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिव्यू के बारे में। अगर हम रिव्यू के बारे में बात करें, तो टोटल 3 फेज है सोसाइटी के अंदर, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 और फेज 2 आपका पहले ही डिलीवर है, रेडी टू मूव इन फ्लैट है। तो क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं है, फेज 1 और फेज 2 में मुश्किल से आपकी 5-7 यूनिट होंगी। तो अगर आप ये परचेज़ करते हैं, तो बिल्कुल रेडी टू मूव इन कंडीशन में आप पैसा देते हैं और साथ के साथ शिफ्ट कर लेते हैं। बाकी आप लोगों ने सोसाइटी देखी, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, सारी की सारी एमिनिटीज़ वगैरह सब बहुत अच्छा है। तो फेज 1 और 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फेज 3 के बारे में, जो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों इसमें अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, तो MY1 शटरिंग पे आपका प्रोजेक्ट बन रहा है फेज 3, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रहेगी। बाकी उसका अलग से क्लब हाउस बनाया जा रहा है, एमिनिटी की भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में पार्क वगैरह आपका पीछे की तरफ बनेगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अगर बात करें बिल्डर बैकग्राउंड की, तो वो भी काफ़ी अच्छा है, कई सारे प्रोजेक्ट ये पहले ही डिलीवर कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। मुझे तो सोसाइटी पसंद आई है। आप लोगों को सोसाइटी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आप कुछ और दूसरी नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको साथ में वीडियो मिल जाएगी, आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, चाहे तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आप चाहे तो ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।